Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. So, I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और लगे हुए हैं अपनी तैयारी में. ऐसा है, लगे हुए हो तैयारी में या फिर आराम कर रहे हो अभी? अभी तो एग्ज़ाम कहाँ है, जब आएगा नोटिफिकेशन आएगी तब देखेंगे, ऐसा सोच रहे हो. अगर ऐसा सोच रहे हो तो भाई फिर बहुत ही गलत सोच रहे हो, है ना? चलो, तो अभी आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में. मॉक टेस्ट क्या होता है, कब देना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, पता कैसे चले कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो रही है या फिर नहीं हो रही, या फिर आप वहीं हैं, रुके हुए हो, बस दे रहे हो और बस साइड, है ना? मॉक टेस्ट दिया और साइड कर दिया, बात ख़त्म. मतलब नाम गिनवाने के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो. तो आज के सेशन में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मॉक टेस्ट क्या होता है? वेल, मॉक टेस्ट इज़ समथिंग, कॉपी है. मॉक टेस्ट क्या है? कॉपी है. जो जब आप पेपर देने के लिए जाते हो तो आपके सामने स्क्रीन पर जैसा पेपर खुलता है, कुछ वैसा वैसा ही मॉक टेस्ट आपको, यू नो, मॉक टेस्ट बनाया जाता है ताकि आपको जैसे एग्ज़ाम में फील आती है, एग्ज़ाम में जैसे जैसे होता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सेक्शन में इतने क्वेश्चन आते हैं, उस पर टाइमर लगा होता है, तो वैसा वैसा उसका कॉपी बनाया जाता है, उसको मॉक टेस्ट बोलते हैं. तो मॉक टेस्ट क्या है? कुछ नहीं है, जैसा आपको घर पर बैठे बैठे वो रियल टाइम फील देने के लिए, और ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करनी है, तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं. तो मॉक टेस्ट कुछ नहीं है, जैसा आप पेपर देने जाते हो, पेपर है, पेपर का कॉपी है. जो पेपर आपका फाइनल पेपर वो होगा जब आप देने के लिए जाओगे, ये घर पर बैठे बैठे आपकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट होते हैं. अब मॉक टेस्ट कब देना चाहिए? अभी देखो, ऐसा है कि अगर हम पिछले ट्रेंड्स की बात करें तो अभी 6 महीने, मतलब प्रोजेक्टेड तो यही है, क्योंकि अभी लास्ट 2 साल से यही ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से ही आपको बता रही हूँ. आपका मिड ऑफ जनवरी में अभी आपका पहले IBPS कैलेंडर आएगा, उसके बाद में उसमें यही मेंशन होता है कि लगभग जून के बाद में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं. तो अभी 6 महीने पेपर नहीं है, ठीक है, हमारे हिसाब से. बाकी तो अभी कन्फर्म हो जाएगा जब आपका कैलेंडर आएगा. बट अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनना, 6 महीने पेपर नहीं है तो 6 महीने क्या करोगे? खाली बैठोगे? मतलब कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आता नहीं तब तक तो हम तैयारी स्टार्ट भी नहीं करते हैं, ऐसा ही है ना? तो सबसे गलत चीज़ तो यही होगी अगर आप अभी आराम से बैठकर रिलैक्स कर रहे हो, क्योंकि यही वो सही टाइम है जब आप अपनी तैयारी कर सकते हो, उसको इतना बढ़िया बना सकते हो कि अब इस साल के जो पेपर्स होंगे ना, आप वो निकाल जाओगे. जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये, बिल्कुल परफेक्ट टाइम. अपने सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए, जो कीजिए, जो भी आपके रिस्पेक्टिव यू नो सब्जेक्ट्स हैं, अपने सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कीजिए. और जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है उन्हें क्या करना चाहिए अभी, जो आपके वीक एरियाज हैं, एक आपको भी सिलेबस कंप्लीट करना है ना. नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, उसको ढूंढना है, तो एक बार सिलेबस रिवाइज कर लेना चाहिए. सो अब मॉक टेस्ट को देना कब है? मॉक टेस्ट कब देते हैं? अभी इन 6 महीने, मतलब अगर अभी आप 2023 की बात कर रहे हैं, 3 से 4 महीने अभी कोई टेस्ट मत दो, मॉक टेस्ट मत दो. अभी आप सिर्फ कहते हैं ना, कम्प्लीटली सिलेबस पर काम करो अपने, जो आपको नहीं आता है उसको सही करो, उसको अच्छे से सीखो. जो भी आपको, मतलब अगर रीजनिंग में मान लो आपको एक पर्टिकुलर पज़ल है, टाइप का पज़ल है जो आपको नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर आपसे नहीं बनता है, सिंपल वाला बन जाएगा, बेसिक वाला, लेकिन अगर कुछ हार्ड होगा, इनसाइड आउटसाइड दोनों फेसिंग वाले होगा, तो वो आपको नहीं आता है, तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस करो. सिमिलरली अगर मान लो आपको वर्क एंड टाइम नहीं आता है, उस टॉपिक से आप हमेशा यू नो दूर भागते हो, नहीं अच्छा लगता है, तो फिर उसको क्लियर करो, उसको पहले अच्छे से करो. तो सबसे पहले अभी आपको यही करना है. मॉक टेस्ट कब देना होता है? जब नोटिफिकेशन आ जाती है, तब पढ़ाई नहीं शुरू करनी होती, तब आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? तो आपका जब भी एग्ज़ाम होना होता है, आपको नोटिफिकेशन आती है, तो उसमें आपको डेट्स का पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम कब है कब नहीं है, तो उसके हिसाब से अपना 1 महीना पहले देख लिया करो. 1 महीना पहले, 15-20 दिन पहले आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना है. तब तक प्रैक्टिस करते रहो, हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते रहो. तो जब आपका पेपर होना होता है, उससे 20-25 दिन पहले अपना मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए आपको. उससे पहले आप क्विजेज लगाते रहो, है ना? आपको ऑफलाइन मज़ा आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो ऑफलाइन
वर्कशीट्स होती हैं उनको ले लो, ठीक है, बुक से पढ़ना है बुक से पढ़ लो, वो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको मॉक टेस्ट कब देने चाहिए। सो अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि आप सभी पूछ रहे हो मुझसे कि मॉक टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट कौन सी कंपनी का दे रहे हो, ऑब्वियसली इस बात पर भी तो बिल्कुल पूरा पूरा फर्क पड़ता है ना, कि अब कोई मॉक टेस्ट बहुत ही आसान होता है, राइट, कोई मॉक टेस्ट बिल्कुल ही आसान होता है तो फिर उसमें आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे। अगर कोई पेपर है, अगर कोई मॉक टेस्ट किसी पर्टिकुलर कंपनी का वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपके कम आएंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ छोड़ दो कि मार्क्स कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, छोड़ दो, मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप एक्चुअली पेपर में बैठोगे ना तब तो बिल्कुल अलग माहौल होगा, अभी तो आप घर पर बैठ कर पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मार्क्स पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है तो ध्यान किस पर दो, बाद में मॉक टेस्ट जब आप फाइनल पूरा का पूरा करके देकर सबमिट कर देते हो तो वहाँ पर एक्यूरेसी परसेंटेज का ऑप्शन होता है, वो चेक करो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक दिया, फिर उसके बाद दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पाँचवा दिया, तो जब एक से लेकर पाँचवें तक आप गए, पाँचवें मॉक पर गए, तो पहले के कंपैरेटिवली अगर आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज अच्छी हुई है, दैट मीन्स कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, समझे इस बात को। अगर आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज कम हो रही है, यानी कि आप या तो इस तरीके से चल रहे हो कि एक दिन मॉक दिया अगले दिन नहीं दिया, उसका एनालिसिस किए बिना, यानी कि अगर आपने कुछ क्वेश्चन सही किया है तो अच्छी बात है, कुछ गलत किया है तो छोड़ दिया उसको, ठीक है, गलत का गलत ही पढ़ा रहे, उसको सीखा नहीं फिर से, तो इस तरीके से आप चल रहे हो, यानी कि अगर आपके आपका जो एक्यूरेसी परसेंटेज है यही तो दिखा रहा है, अगर यानी कि आप सही तरीके से नहीं चल रहे तभी आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज नहीं बढ़ रही है, अगर वो कम हो रही है तो इसका मतलब यही है कि आप गलत तरीके से जा रहे हो, आप सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर रहे हो और सभी चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी मॉक टेस्ट लगाओ, दो तीन मॉक टेस्ट लगाए तो कंपेयर करो, फर्स्ट दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया, तो कंपेयर करो पहले वाले से कि आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है, बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है तो आपने कहीं कमी छोड़ी है, उसको चेक कीजिए। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ मॉक टेस्ट देने का मतलब बस ये नहीं है मॉक टेस्ट दिया और हाँ आराम से बैठ गए, नहीं भाई, मॉक टेस्ट दिया है तो उसका पूरा एनालिसिस करना भी आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, बैंकर बनना चाहते हो, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये तो सभी सोच रहे हैं कि हाँ मॉक टेस्ट लगाना होता है, सबको पता है मॉक टेस्ट लगाना होता है, हर बच्चा मॉक टेस्ट लगाता है, लेकिन सही तरीके से नहीं लगाता है। तो सही तरीका जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, एनालिसिस ज़रूरी है, एक्यूरेसी परसेंटेज चेक करो, और अभी फ़ायदा नहीं है, अभी आपको क्या करना है, अभी मॉक टेस्ट मत लगाओ, अभी पहला महीना है भाई, अभी क्या करोगे, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, आएगा तो देखेंगे, फिर हमारा फिर ये सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, प्रोजेक्टेड तो यही है, लास्ट 2 साल से जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करते रहो, वीकर एरियाज जो हैं उन पर काम करो, सिलेबस निपटा डालो, ये जो 2 महीने में तो बड़े आसानी से आपका सिलेबस हो जाता है, बड़े आसानी से 2-2.5 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद यू नो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, जब आपकी पूरे प्रीलिम्स के यू नो सारे के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से हो जाएंगे, फिर साथ में थोड़ा थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, तब तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, है ना, नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो फिर उसके बाद तो वही बैठना है ही नहीं, उसके बाद तो लगना ही है, फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं और आपको मैं तरीका बता चुकी हूँ। सो या दैट्स इट, आई रियली होप कि आप सभी मेरी बातों को थोड़ा अच्छे से सुनते हैं, है ना, और उस पर गौर फरमाते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी, है ना, इम्प्लीमेंट करते हो या नहीं करते हो, अगर करोगे तो डेफिनेटली बन जाओगे। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जिन भी टीचर से आप पढ़ते हो, अगर आप उनकी एक्चुअली सारी की सारी बात मान लो जैसा वो कहते हैं, तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपका सिलेक्शन ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में, तब तक आपको क्या करना है, आराम नहीं करना है, आराम हराम है, मेहनत करते रहना है। चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।